गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत तथा एक घायल। माजरा थाने के अंतर्गत सैनवाल मुबारकपुर में हुआ ये हादसा। उपमंडल पावटा साहिब के सैनवाला के जंगल में फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया। सूचना मिलते ही डीएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पावटा साहिब के सैनवाला के जंगल में देर रात को तीन लोग जंगल में शिकार करने गए थे। इस दौरान रामेश्वर और गीता राम जंगल में खड़े हुए थे तथा एक व्यक्ति उनके विपरीत बंदूक के साथ खड़ा था। व्यक्ति को जैसे ही सामने से कोई आवाज आई तो उसने जानवर समझकर उन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में रामेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गीता राम गंभीर रूप से घायल हुआ। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग जंगल में पहुंच गए और देखा कि रामेश्वर और गीता राम खून से लथपथ झाड़ियों में पड़े थे। पास जाकर देखा तो रामेश्वर की मौके पर मौत हो गई, जबकि गीता राम को गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज नाहन ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पावटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवभारत समाचार पावटा साहिब हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन माजरा के अंतर्गत तीन व्यक्ति जो कि शिकार करने जंगल में गए थे, तो इसी दौरान अचानक गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति वहां पर घायल हो गया है। इसमें पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। मौके का निरीक्षण किया गया है और जैसे भी हालात हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद जैसे भी हालात सामने आएंगे वैसे पुलिस आगामी कार्रवाई।